शून्य सत्र की शुरुआत 10:40 पर श्री सरदार अहमद सर की उपस्थिति में हुआ, जिसमें श्री सरदार अहमद सर ने निम्न बिंदुओं को फोकस किया और कहा कि आप अगर एक कुशल वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए और जज करिए, अपने अंदर निखार लाइए, खुद की खूबियों को सबके सामने लाइए। अगर आपने इन सब का सामना कर लिया तो आप बड़े से बड़े सेमिनार पत्रक को कहीं पर किसी भी जगह पढ़ सकते हैं, अर्थात प्रस्तुत कर सकते हैं। आज फिर श्री सरदार अहमद सर ने अपने मुस्कुराते हुए चित्त अंदाज में कहा कि मैं जिंदगी भर भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। इसी क्रम में मैं मनोज कुमार खुद कुछ कहना चाहूंगा अपनी कुछ लाइनों के साथ कि कांच पर अगर पारा चढ़ जाए तो आईना बन जाता है, कांच पर अगर पारा चढ़ जाए तो आईना बन जाता है, और अगर किसी को आईना दिखा दिया जाए तो उसका पारा चढ़ जाता है। सत्र के बीच में ही श्री अनिल कुमार पासवान प्रवक्ता राजा शारदा प्रसाद इंटरकाले रावण सोनभद्र द्वारा दिनांक 7/6/2022 की आख्या प्रस्तुत की गई। इसके बाद श्री सरदार अहमद सर द्वारा स्क्रीन पर दातृत्व की परीक्षा शीर्षक नामक से संबंधित एक कहानी का प्रसारण किया गया, जिसका उद्देश्य था कि किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास न करें, सुने सबकी और करें मन की। एक अच्छे प्रशासन को यूं ही किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसे अपने विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। अर्थात इसी विषय में एक बात कहना चाहूंगा कि पैसा जेब का और दिमाग अपना साथ देता है। अगर किसी के पास किसी प्रकार की कोई परेशानी आ जाए तो किसी को कोई किसी का साथ नहीं देता, उसका खुद का निर्णय ही उसका निर्णय होता है। और अगर पैसे की समस्या आ जाए तो उसकी जो जेब का पैसा है वही उसका साथ देता है। सत्र की शुरुआत विशेष आमंत्रित व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर श्री प्रतीक उपाध्याय के निर्धारित शिक्षा बिंदु सांख्यिकी में प्रतिशतांक स्थिति सूचक मापन प्रतिशतांक निकालना सिखाया गया, साथ ही उससे संबंधित प्रश्नों को हल करके दिखाया गया, जिसके साथ द्वितीय सत्र का समापन हुआ। प्रशिक्षण के तृतीय सत्र की शुरुआत 2:45 पर सेमिनार के प्रस्तुतीकरण से हुई, जिसका विषय था माध्यमिक शिक्षा में बालिका शिक्षा समस्याएं एवं समाधान, जिसकी अध्यक्षता प्रशिक्षु साथी डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी द्वारा की गई, तथा प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर श्री चंद्रशेखर सिंह जी ने अपने सेमिनार प्रस्तुत पत्र की शुरुआत शिक्षा को सत्यम शिवम एवं सुंदरम के शब्दों की संज्ञा देते हुए प्रस्तुत किया। प्रस्तुतीकरण में बालिका शिक्षा, स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा का इतिहास, ब्रिटिशकालीन शिक्षा, स्त्री शिक्षा का महत्व बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कुछ कथनों का प्रयोग किया, जिसमें अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो कुछ हूँ, जो भी होने की इच्छा रखता हूँ, अपनी माँ के द्वारा ही हूँ। इसी क्रम में नेपोलियन ने कहा था कि मुझे शिक्षित माताएं दे दो और मैं एक शिक्षित समाज दे दूंगा। सत्र की अंतिम सोमवार पर कुछ प्रश्न तथा सुझाव आए, जिनका श्री चंद्रशेखर जी द्वारा बेबाकी से जवाब देते हुए सभी को सहमत किया, तथा अध्यक्ष जी के द्वारा तृतीय सत्र की समाप्ति की घोषणा की गई। चतुर्थ सत्र, यह सत्र 3:45 पर प्रारंभ हुआ। सत्र के अध्यक्ष द्वारा डैम के संबंध में श्री डॉक्टर पवन सावंत सर को अपने विचार रखने के हेतु आमंत्रित किया गया। सर ने अध्यक्ष तथा प्रस्तुतकर्ता को बालिका शिक्षा जैसे विषय प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी बीच अपने प्रशिक्षु साथी श्री रजनीश जी ने इस विषय से प्रेरित होकर एक कविता को सभी प्रशिक्षु साथियों के सामने गाकर सुनाया, जिसे समन्वयक सहसमन्वयक की उपस्थिति में सदन में भ्रूण हत्या से संबंधित कविता को सुनाकर सभी को मार्मिक कर दिया, तथा सदन के सभी विद्वजनों को कुछ समय के लिए अंदर तक जोर कर दिया। तत्पश्चात डॉक्टर पवन सावसन ने एक खेल गतिविधि कराई और अंत में इस सत्र की समाप्ति की घोषणा के साथ सभी प्रशिक्षु साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बस अंत में अपनी कुछ दो लाइनें कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं मथुरा से आता हूँ तो वहां का कुछ आपको सुनाना चाहूंगा दो लाइनों के माध्यम से। बंसी सब सुर त्यागे है, बंसी जानते ही बांसुरी,
बंसी सब सुर त्यागे है, बस एक ही सुर में बाजे है, सारे सुर त्याग देती है और एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है।